रोहन भाई कैसे हैं? सब कुशल मंगल, आप बताओ इधर कैसे हैं? अरे काम बढ़ रहा है तो सोच रहा हूँ एक नया मिनी ट्रक ले लूं, पर एक बात सता रही है कि ऐसा कौन सा मिनी ट्रक लूं जिससे फायदा ज्यादा हो। अरे इतनी सी बात, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और मैं तो कहूंगा बिल्कुल सही समय पर आए। अच्छा वो कैसे? आइए बताता हूँ। चलिए टाटा एस पिछले 15 वर्षों से कस्टमर की नंबर वन चॉइस रहा है। BS1 से लेकर के BS4 तक टाटा एस अपनी खूबियों में स्थिर रहा है। अब अप्रैल 2020 से भारत सरकार ने देश भर में BS6 एमिशन मानकों को पूरी तरह लागू किया है और टाटा एस अपनी सारी खूबियों के साथ BS6 में भी उपलब्ध है। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण होता है जिससे श्वास और हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। BS6 एमिशन मानकों से शुद्ध वायु की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। कड़े उत्सर्जन वायुमान को पूरा करने में फ्यूल क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। BS6 ग्रेड डीजल देश भर में सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध किया गया है। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ और बताइए ना। BS6 एमिशन मानकों के अनुसार डीजल इंजन से नॉक्स उत्सर्जन को 68% और पर्टिकुलेट को 82% कम कर सकते हैं। इससे प्राप्त इंजन को BS6 टेक्नोलॉजी के अनुसार चलाना चाहिए और डीजल इंजन BS6 का होना चाहिए। BS6 एमिशन के साथ जुड़ी गाड़ी में प्रमुख तकनीकी परिवर्तन ये सारे हैं। नॉक्स को कम करने के लिए DEF टैंक और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर्स PM यानी सूत को कम करता है और उसे जलाने में भी मदद करता है, इसी को रीजनरेशन कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लैंप डिस्प्ले सभी कार्य की करीबी निगरानी के लिए आवश्यक है। ये तो अच्छी जानकारी है। आइए मैं आपको बताता हूँ टाटा एस गोल्ड डीजल और BS6 के रीजनरेशन के बारे में और जानकारी देता हूँ। चलिए। एस गोल्ड डीजल BS6 में सूत रीजनरेशन को डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर में जला दिया जाता है। सूत को जलाने की प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है। जब भी गाड़ी में मैनुअल रीजनरेशन करना होता है तो ड्राइवर को इसकी सूचना क्लस्टर में लगे लैंप और बजर की मदद से दी जाती है। रीजनरेशन से सूत को DPF में क्लीन करना पड़ता है और इसको ड्राइवर के द्वारा किया जाता है। ये करना आसान है और ये करने के लिए कुछ नियम ये हैं। जब चलते समय गाड़ी के क्लस्टर में DPF लैंप ब्लिंक करता है और बजर बजता है तो जल्दी में रीजनरेशन करना पड़ता है। गियर शिफ्ट लीवर को न्यूट्रल स्थिति में ले जाइए। ध्यान दें इंजन का टेम्परेचर क्लस्टर बार में 3 bar से ऊपर होना चाहिए और गाड़ी को आइडल RPM में रखें। गाड़ी में कम से कम 5 liter BS6 ग्रेड डीजल होना चाहिए। रीजनरेशन शुरू करने के लिए 10 सेकंड के लिए लगातार मैनुअल स्विच दबाएं। स्विच पर लाइट चालू हो जाएगी और इंजन की RPM ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये रीजनरेशन चालू होने का संकेत है। रीजनरेशन की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 30 मिनट लगे। रीजनरेशन की प्रक्रिया के दौरान इंजन बंद ना करें और गाड़ी के केबिन से बाहर रहें। रीजनरेशन की प्रक्रिया के दौरान एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक को दबाया नहीं जाना चाहिए और अगर गलती से दब जाए तो रीजनरेशन की प्रक्रिया बाधित होती है और इसे फिर से दोबारा करना पड़ेगा। रीजनरेशन की प्रक्रिया पूरे होने पर क्लस्टर में लाइट जल जाएगी और गाड़ी का इंजन आइडल RPM पर आ जाएगा। कुछ विशिष्ट सिचुएशन में जैसे कि जब रूट में बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हों और गाड़ी धीमी चलती है, ओवरलोडिंग कंडीशन में हाई स्पीड चलाकर आप रीजनरेशन कर सकते हैं, या क्लस्टर में DPF लैंप जला करके मैनुअल रीजनरेशन भी किया जा सकता है। ध्यान रखिए रीजनरेशन प्रक्रिया के दौरान एग्जॉस्ट पाइप से सफ़ेद धुआं आ सकता है जो कि सामान्य है। ज्वलनशील पदार्थों जैसे सूखी घास, बेकार कागज़ पर गाड़ी पार्क ना करें क्योंकि वो आसानी से जल सकते हैं। फ्यूल स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में रीजनरेशन प्रोसेस को शुरू ना करें। ध्यान रखिए कि एग्जॉस्ट सिस्टम ब्लॉक नहीं है। रीजनरेशन को बंद जगह जैसे सुरंग,
या बंद कमरे में ना करें। ध्यान रखिए कि एग्जॉस्ट गैस को निकलने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आपको पता है टाटा मोटर्स को 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क किया जा सकता है। अच्छा। जिसका नंबर है 1800209799। अरे वाह, थैंक यू रोहन भाई, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी, रीजनरेशन के बारे में भी बताया। अब मुझे कोई शंका नहीं है, टाटा एस ही मेरी चॉइस है। मुझे खुशी हुई कि ये सारी जानकारी आपके काम आई। अब टाटा एस के साथ करो और ज्यादा कमाई। और एक खुशी की बात बताऊं, अब टाटा एस 6 के वादे के साथ आता है और वो ये सारे हैं: और ज्यादा माइलेज, और ज्यादा पिकअप, और ज्यादा पेलोड, और ज्यादा कन्वीनियंस, सबसे कम मेंटेनेंस, और ज्यादा कमाई। थैंक यू रोहन भाई, मैं आज ही टाटा एस बुक करता हूं। थैंक यू। Hmm?